हेलो दोस्तों, राम राम जुले सलाम सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग में। आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जी हां दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ना कि हमारे घर में बोतल पूजा हो रही थी। जी हां दोस्तों, बोतल पूजा होने के बाद शादी होती है। शादी यानी कि आज हमारे घर में दलोज है। बोतल पूजा होने के बाद दलोज होता है, ठीक है। यानी कि जो मेरी कज़न है ना, उसने शादी कर रखी है रोडू साइड शादी करी है, तो वहाँ से आज आ रहे लोग। तो वहाँ से मतलब दलोज के दौरान ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ठीक है। अभी हम वैसे छोटा मोटा दलोज कर रहे हैं, कुछ साल बाद बड़ी शादी करवाएंगे। तो किन्नौर में दलोज क्या होता है, किस तरह का सिस्टम होता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे काम काज तो चला हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लकड़ी भी फाड़ी जा रही है और लकड़ी फाड़ने के साथ हमने यहाँ पे चूल्हा भी तैयार किया है, तो खाना बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आज के दिन क्या होता है यही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा चूल्हा भी तैयार हो चुका है। इसी चूल्हे में हम दोस्तों खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा मटन, यहाँ पे बनेंगे चावल। कैसा लग रहा है लकड़ी काट के? तो यहाँ पे लकड़ी तो काट दी, अब मैं आपको आगे ले जाऊँगा। तो इस तरह से तैयारी हो रही है दोस्तों दलोज की ना, तो यही आपको मैं दिखाता हूँ। ये है सानवी, बुगली भैया को तो जानते ही है। इस तरह से यहाँ पे मटन काटने की तैयारी हो रही है। ये अंकल जी, मामा जी, यहाँ पे मेरी दीदी है, बुआ जी है। तो यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? बुआ जी प्याज छिल रहे हैं, दूसरी बुआ जी लहसुन छिल रहे हैं, और दीदी जी यहाँ पे प्याज काट रहे हैं, और यहाँ दीदी जी लहसुन छिल रहे हैं। तो यहाँ भाभी जी सबको चाय दे रहे हैं। चाय नहीं दे रही, दिन भर सुबह से लेकर अभी तक काम ही काम कर रहे थे, बहुत थके। राजमा बना रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक काम ही कर रहे हैं आप, थके? एनी हेल्प? नो। ठीक है, यहाँ पे दाल पक रही है। तो दोस्तों दलोज की तैयारी यहाँ पे चली हुई है। पहले भी मैंने आपको दिखाया था, पहले तो लगे हुए थे प्याज काटने यहाँ पे, अब तो पूरा कंप्लीट कर दिया बुआ ने, भाभी ने, सब ने। यहाँ पे देखिए प्याज कटे हुए है, यहाँ पे सलाद काट रहे हैं, यहाँ पे बुआ जी, यहाँ भाभी जी, ये दीदी जी, क्या है? अच्छा ठीक है, अंदर बोल रहे भाभी जी की मैंने दाल बना दी। कहाँ बनाई दाल? यहाँ पे सर हम काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं कैमरे में? पनीर काट रही हूं। ये है यहाँ पे दोस्तों शिमला मिर्च, और यहाँ भाभी जी ने बना दी है राजमा की दाल। इतनी टेस्टी है ना, अभी खाएगा आप, बिल्कुल टेस्टी बोल रहे हैं आप। नमक नहीं टेस्ट किया मैंने अभी। तो अब मैं जाता हूँ आगे शेड में, वहाँ पे मटन बन रहा है और चिकन बन रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब वहाँ चलते है, यहाँ पे मटन काटा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मटन की तैयारी हो चुकी है, काट दिया सारा मटन। तो ये मटन बनाया जाएगा वहाँ पे आगे शेड में। तो हमारा खाना बनाने का किचन बहुत दूर है, किचन काफी दूर है हमारा। ये है उमेश कुमार, हेलो। तो कह रहे यार क्या कर रहा है, कुछ तो बोल भाई। तो यहाँ हमने चूल्हा बनाया है, बहुत पहले बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी थी, तब मैं दिखा नहीं पाया आपको, ठीक है। यहाँ बनेगा मटन, और यहाँ क्या बनेगा भाई जी? यहाँ क्या बन रहा है? मटर के लिए। अच्छा, मटन इसको बोलते हैं दोस्तों लोधान। गाइस शाम के बज चुके हैं 7, तो अभी भी मौसम खुला खुला सा है, अभी भी रोशनी काफ़ी है। तो अब यहाँ पे खाना बन रहा है हमारे किचन में, अभी लाइट जोड़ने वाले हम यहाँ पे। ये हो रहा है जी तड़का तैयार, ये हो रहा है जी तड़का। बताओ इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें डाला हुआ है लाल मिर्चे। अच्छा, साबुत वाली, साबुत लाल मिर्च। तो इस तरह से स्वागत की तैयारी हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे चपातियाँ भी बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको वंशिका से मिलाना चाहता हूँ, वंशिका कुछ कहना चाहती है, आप बोलो। मैं हूँ वंशिका, माय नेम इज वंशिका। देखा, वंशिका से मैंने आपको मिलवा दिया, अब यहाँ पे स्वागत होगा। यहाँ देखिए नमस्ते अंकल जी, अंकल जी रोडू से आ गए आखिरकार। आप रोडू से आ रहे हो? कहाँ है बराती आपके? बराती कहाँ? आप तो अकेले आए। बराती क्यों लाओ? ठीक है, लेना देना मेरे बराती तो होनी चाहिए। जो अंकल जी है ना यहाँ से बुलाने गए थे, जब 5 थे गाँव से, तो अंकल तो आ चुके हैं, तो बाकी और अंकल भी आ रहे हैं यहाँ से। सभी से मिलवाऊंगा कि कौन कौन थे। अंकल जी नमस्ते। अच्छा आप भी गए थे बुलवाने? ठीक है ठीक है।
ये है आटे का खड्डू और साथ में जो आपको ये हरा हरा सा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं भिकुनी। सभी लोगों के सर के ऊपर से इसी भिकुनी को घुमाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां दूर हो जाए। तो इस तरह से आए हुए दोस्तों भराती दूल्हे के घर से। ये पैकिंग कर रहे हैं ऊपर साइड देने के लिए। स्नैक खिलाएंगे सबसे पहले, फिर जाके डिनर होगा। तो गाइस अब हम आपको अंदर ले जाते हैं। क्या कर रहे हो आप सभी? हम सभी ठंडा पी रहे हैं। ठंडा पी रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पियो पियो ठंडा। फिर बढ़िया है सारे एकदम। ये सारे साक्षी के ससुराल वाले यहाँ बैठे है। बढ़िया है ना एकदम? ठीक लगा? तो दोस्तों इस तरह से आप सभी ने देखा ना कि सारे मेहमान लोग आ चुके हैं। अभी सभी को मतलब स्नैक्स दिए जा रहे हैं, चाय दी जा रही है, थोड़ी देर से डिनर भी होगा। हाँ जी अंकल जी, बन गया खाना? हाँ जी हाँ जी। यहाँ क्या बन रहा है? अभी चावल बन रहा है। यहाँ चावल, यहाँ क्या लगाया है? यहाँ पे तरी मीट बन रहा है। अच्छा, यहाँ मीट। दोस्तों ये है कोंडो लोगों का किचन, ठीक है? सभी गाँव के लोग कोंडो होते हैं, तो अभी सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तो बैठे, अभी तक काम ही कर रहे थे ना, अभी तक चावल लगाए। अच्छा यहाँ चावल लगाए, देखो चावल अभी पके नहीं है। कितना टाइम लगेगा इसको? इसमें अभी यानी कि 5-7 मिनट लगेगा। 5-7 मिनट? हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों सारे मेहमान लोग तो आ गए और चाय पानी मतलब स्नैक्स सबको खिला दिए। तो अभी जितने भी हम गाँव के लोग हैं ना, सभी यहाँ पे बैठेंगे। अभी वक्त हो चुका है स्वीट डाल का। ये क्या चीज होता है स्वीट डाल? क्या चीज है? सास को देगा पहले। अच्छा सुई ढाल देनी पड़ती है, वही दिखाऊंगा मैं आपको कि दलोज में क्या चीज होता है, कि सुई ढाल में होता क्या है। तो दोस्तों सभी गांव के लोग आएंगे और बैठेंगे यहाँ पे लाइन पे। तो अभी सुई ढाल होने जा रहा है, यानी कि धूल्हे और यानी कि धूल्हा और दुल्हन को ना मतलब ससुराल में सभी के पैर छूने पड़ेंगे। Thank you.
बेसिक सब गाइस, बुआ सासू माँ का स्वागत हो चुका है, अब भाई लोगों का स्वागत होगा। फिर पापा ये तो पहचाने ये लगते भैया भैया भाई शाकपो, ये मामा, ये शाकपो और मामा ठीक है और शाकपो साहब ठीक है साथ गाइस। अब यहाँ पे सबको इन्होंने नमस्ते कर दी है और साथ में रिश्ते की पहचान करवाई, इसीलिए सबको ऐसे बिठाते हैं, साथ में माला पहनाते हैं। तो इसी के साथ गाइस ये थाच वाले आज के छोकरे कैसा बना है खाना? हेलो है खाना कैसा बना है एकदम? और जी ब्लॉगर जी खाना कैसा बना है? सच में तो थोड़ा हमारा दिलो संपन्न होते हो भाई, हमने तो खाना ही नहीं खाया, क्या संपन्न हो गया अभी? अच्छा अच्छा तुमने खा तो संपन्न हो गया। मैं गाना आज के